दोस्तों, भारत की आजादी से लेकर आज तक कितने सारे प्रधानमंत्री बने हैं, इनमें से कई चेहरे ऐसे भी थे जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे थे। आज हम आपको 1947 से लेकर 2024 तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनको हम विस्तार से बताने वाले हैं। आखिर आजादी से लेकर अब तक कितने प्रधानमंत्री बने। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 1947 से लेकर 2024 तक 16 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जब हमारा देश भारत आजाद हुआ था, उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक करीब 16 साल और 246 दिन तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे और 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है, जिसके बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक बनाया जाता है। उन्होंने 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री का पद संभाला, जो कि केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे। नंबर 2, इसके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्हीं के शासनकाल में 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी होता है। लाल बहादुर शास्त्री करीब 1 साल 216 दिन तक प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके बाद 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब अचानक पद खाली हो जाने से फिर से 11 जनवरी 1966 को गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक बनाया जाता है और 24 जनवरी 1966 को 13 दिन तक इन्होंने पद संभाला। नंबर 3, और इसके बाद भारत के तीसरे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी बनती है, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी की पहचान भारत में दबंग प्रधानमंत्री के रूप में थी, क्योंकि 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनका कार्यकाल करीब 11 साल और 59 दिन तक रहा। इंदिरा गांधी के शासनकाल में कई बड़े कामों को किया गया था। अब यहाँ 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा और यहाँ तक कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण भी इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही किया गया था। लेकिन जिन कारणों से इंदिरा गांधी को आलोचना का सामना करना पड़ा, वो थी 1975 की इमरजेंसी, जिससे लोग इतने दुखी हो गए थे कि 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई और पहली बार दूसरी गैर कांग्रेसी पार्टी सत्ता में आई और वह थी जनता पार्टी। नंबर 4, भारत के चौथे प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक करीब 2 साल और 126 दिन तक प्रधानमंत्री रहे और फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार गठबंधन के आधारित पर सरकार थी और मतभेद की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। नंबर 5, दोस्तों, भारत के पांचवें प्रधानमंत्री बनते हैं चरण सिंह, जो कांग्रेस पार्टी से तो नहीं थे लेकिन कांग्रेस पार्टी के बहुमत से बने थे, जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक रहा। यानी करीब 170 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट वापस लेने से इनकी सरकार गिर गई। नंबर 6, फिर से चुनाव होते हैं और 1980 में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है और इंदिरा गांधी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रहा, यानी कि 4 साल 291 दिन तक, और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। नंबर 7, और फिर इनके बाद सातवें प्रधानमंत्री बनते हैं इनके बेटे राजीव गांधी। राजीव गांधी भारत के पहले युवा प्रधानमंत्री थे, जो कि मात्र 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक था, यानी करीब 5 साल और 32 दिन। इन 5 साल के कार्यकाल में कई गड़बड़ियों के आरोप के चलते राजीव गांधी की छवि जनता की नजरों में कम हो गई। उस समय राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट में मंत्री रहे। बीपी सिंह, जो कि राजीव गांधी के आलोचक बन गए, इसलिए उनसे मंत्रालय ले लिया गया था और यहाँ पर बीपी सिंह कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और फिर बाकी विरोधी नेताओं के साथ मिलकर जनता दल बनाया। नंबर 8, दोस्तों, 1990 में चुनाव होते हैं, जिसमें जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ कई दलों ने मिलकर सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बन गए बीपी सिंह, जो कि भारत के 8वें प्रधानमंत्री बन गए। नंबर 9, उस समय गृह मंत्री थे चंद्रशेखर। उनकी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी तेजी से ऊपर आ रही थी और चंद्रशेखर के पास 64 सांसद थे और फिर कांग्रेस के समर्थन के साथ इनकी पार्टी सत्ता में आती है और 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर भारत के 9वें प्रधानमंत्री बनते हैं और 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नंबर 10,
1991 में चुनाव होते हैं और कांग्रेस से पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक करीब 4 साल और 330 दिन तक प्रधानमंत्री रहते हैं। जो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो साउथ इंडिया में रहने वाले थे। जब ये प्रधानमंत्री बने तब भारत की इकोनॉमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इकोनॉमी की हालत सही करने के लिए इनमें बड़े बदलाव की जरूरत थी और इस कार्यकाल में पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कई बड़े डिसीजन लिए, जिससे इकोनॉमी में काफी सुधार हुआ। इसके बाद भारत की राजनीति में उतार चढ़ाव बहुत रहा और अगले 3 सालों में 4 बार प्रधानमंत्री बदले। नंबर 11 अटल बिहारी वाजपेयी, नंबर 12 HD देवगौड़ा, नंबर 13 इंद्र कुमार गुजराल, नंबर 14 अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक रहा, यानी करीब 6 साल और 64 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल में कई मुख्य कदम उठाए। नंबर 15 और फिर 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है और भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 15वें प्रधानमंत्री थे, और 2009 में भी चुनाव होते हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। नंबर 16 फिर साल आते हैं 2014, जिसमें कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है और प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। 2019 के चुनाव में भी इनकी ही जीत हुई थी। दोस्तों, मोदी जी के बारे में शायद आप बहुत कुछ जानते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं।